अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की ये वीडियो है इंग्लिश कंपलसरी की डेमो क्लास के बारे में। ये डेमो क्लास हो रही है ऑनलाइन क्लासेस ADA पार्ट वन के स्टार्ट होने वाले हैं, और ये मैं इंग्लिश क्लास कंपलसरी की क्लास आपको डेमो दे रही हूँ। इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो ये ऑक्सफोर्ड की बुक है जिसमें आपके चैप्टर्स होते हैं सारे के सारे, ठीक है ना। ये ऑक्सफोर्ड बुक अगर आप लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपके देखें इसमें सारे चैप्टर्स हैं जो आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। चाहे वो क्वेश्चन आंसर्स हों, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन सीन कॉम्प्रिहेंशन हो, वो सब इसी में से आता है। कॉम्प्रिहेंशन आपके चैप्टर्स में से सीन कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, और जो क्वेश्चन आंसर आते हैं वो एक्सटेंडेड रीडिंग वाले 6 चैप्टर्स शॉर्ट स्टोरीज में से आते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप बुक खरीद लेंगे तो इससे आपको चैप्टर्स भी पढ़ने में आसान हो जाएंगे और आपको आसानी से समझ भी आ जाएंगे चैप्टर्स, ठीक है। अब चलती हूँ मैं पेपर की तरफ। आपको पता होना चाहिए कि पेपर किस तरह से आता है, तभी आप उसको सॉल्व कर सकेंगे, उसको पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे। अच्छा, ADA और BA ओल्ड रजिस्ट्रेशन वालों का पेपर थोड़ा सा मुख्तलिफ आता है। दोनों पेपर्स में कुछ चेंजेस हैं। पहले मैं आपको BA ओल्ड रजिस्ट्रेशन वालों का पेपर दिखा देती हूँ, जो इस साल अभी का है आपका 2023 में। इसमें देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आता है आपका अनसीन कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, जो कहीं से भी कॉम्प्रिहेंशन ये दे देते हैं, जिसमें एक पैराग्राफ दिया जाता है आपको और उसी से मतलब 3-4 सवाल दिए जाते हैं। वो आपको उसी पैराग्राफ में उसके आंसर्स होते हैं, उसी में से देख के आपको करने होते हैं। कुछ अपने वर्ड्स में भी आंसर लिखने होते हैं, क्योंकि अब आप बैचलर्स के स्टूडेंट हो गए हैं, क्लास वन के तो है नहीं कि एग्जैक्ट पैसेज में से उसका एक लाइन का आंसर निकाला और आंसर लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अब आप बड़े बच्चे हो गए हैं तो थोड़ा सा काम भी बड़ों वाला करना होगा, ठीक है। उसके बाद इसी पैसेज का आता है दूसरा सवाल, समरी लिखना होता है। इसी पैसेज का समरी लिखनी होती है, यानी खुलासा लिखना होता है। खुलासा क्या होता है? 1/3 ऑफ द पैसेज होता है, ठीक है। कहीं पे लिखा हुआ भी होता है, पेपर में लिख के दे दिया जाता है, कहीं पे नहीं लिखा होता। बस समरी का मतलब होता है कि ये जो पैसेज है, ये जितने भी लाइन्स का है, लाइन्स काउंट करें आप कितने लाइन्स है इसमें, ये तकरीबन 10 लाइन्स का है, तो इसका 1/3 क्या होगा? 10 लाइन्स का 1/3 तकरीबन 3-4 लाइन में आप इसका समरी कर दें। मतलब हर पैसेज को आपने काउंट करनी है उसकी लाइन, और उसकी समरी करने के लिए आप उसको 1/3 कर दें, यानी क्वार्टर कर दें, ठीक है ना। तो उतनी आपने समरी लिखनी है। समरी में सारी इंपॉर्टेंट बातें उस पैसेज की लिखनी है, बस शॉर्ट करके लिखनी है, ठीक है। पूरा पूरा नहीं लिखें भली, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो पहले आप पढ़ के अंडरलाइन कर लें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसके बाद उसको शॉर्ट करके लिख दें, ठीक है। फिर तीसरा सवाल आपका आ जाता है यहाँ पे, है कि आंसर एनी 2 क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको 3 या 4 सवाल दिए जाएंगे, उसमें से आपको कोई से भी 2 क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। कभी 3-4 सवाल दिए जाते हैं, कभी 3 सवाल दिए जाते हैं, कभी 2 में से 1 करना होता है, ऐसे भी होता है मुख्तलिफ किस्म के। और ये सारे वही एक्सटेंडेड रीडिंग के 6 शॉर्ट स्टोरीज हैं जो मैंने आपको अभी बुक में दिखाई थी। वो 6 शॉर्ट स्टोरीज में से ये क्वेश्चन आंसर आते हैं, जो हमेशा 10 नंबर का ही आता है, चाहे इसमें कभी 2 करने होते हैं, कभी 1 करना होता है, जो भी हो 10 नंबर का सवाल होता है, ठीक है ना। अब वो अगर 2 करने होंगे, 5-5 नंबर का सवाल होगा, तो आपको 1-1 पेज का आंसर करना होगा। अगर 10 नंबर का एक ही सवाल होगा तो कम से कम आपका 2 पेज का आंसर होना चाहिए, ठीक है। BA के लेवल पे जो आपका मार्किंग होती है वो 1 पेज = 5 मार्क्स, ठीक है। ये फॉर्मूला है हर सब्जेक्ट में, 1 पेज जो पेज का एक साइड होता है वो 5 नंबर का होता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, ये है सीन पैसेज, जो मैंने आपको बताया बुक के जो चैप्टर्स हैं उसमें से ये पैराग्राफ दिया जाता है, इसलिए इसको सीन पैसेज कहते हैं, क्योंकि ये आपने बुक में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इसका सीन पैसेज हमें कैसे पता चलता है? हमें ऐसे पता चलता है इसके सवालों में एक ये सवाल होता है, गिव द टाइटल ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम विच द टेक्स्ट इज टेकन, यानी कि आपको उस बुक के उस चैप्टर का नाम लिखना है जिसमें से ये पैसेज लिया गया है। तो जाहिर है जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ना कि हाँ ये मेरे बुक के कौन से चैप्टर का है, तो इसलिए इसको सीन पैसेज कहते हैं। बाकी का तो वही सारे सवाल होते हैं जो आपके, जिस तरह आप कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, इसके आंसर भी आपको इसी पैसेज में से देखने होंगे, और क्योंकि आपने ये पहले से चैप्टर किया हुआ होगा तो आपको इसके आंसर पता भी होंगे कि हाँ कहाँ से लेके कहाँ तक है, तो ये करने में आसान होता है, इसलिए इसके 1-1, 2-2, 3-3 मार्क्स होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, ठीक है, और आसानी से हो जाता है, इसमें कोई मसला नहीं होता। फिर आ जाते हैं ग्रामर पोर्शन में, ये आपका ग्रामर के सवाल है इसमें, ठीक है। ये ग्रामर का पार्ट है आपका, इसमें सवाल मुख्तलिफ भी आते हैं,
क्योंकि पिछले 2 सालों से 2020 से 800 साइंस का पेपर साथ मिला के दिया जा रहा है, तो ग्रामर पोर्शन के सवाल कुछ मुख्तलिफ भी होते हैं, कुछ सेम भी होते हैं, ठीक है। तो हमें हर तरह से अपनी तैयारी करनी है, आर्ट्स के पेपर के हिसाब से भी और साइंस के पेपर के हिसाब से भी। इसमें जो कॉमन चीज़ें हैं वो ये है, 5WH क्वेश्चंस वाला सवाल होता है। कोई सिचुएशन दी जाती है कि आपको किसी मिनिस्टर से या किसी सीएम से आपको इस बारे में, इस सिचुएशन के बारे में 5WH के क्वेश्चंस पूछने हैं, यानी 5 सवाल पूछने हैं इस सिचुएशन के बारे में। फिर है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस, नरेशन जो होती है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगना है इसमें। नेक्स्ट है इंसर्ट प्रपोजिशन, प्रपोजिशन लगाना है यहाँ पे। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, ये नरेशन कहलाता है, ठीक है। सॉरी, मैं वो एक्टिव पैसिव को नरेशन कह रही थी। और नेक्स्ट है ये ग्रामर के ये 6 सवाल, 5 या 6 सवाल आते हैं अक्सर। इसमें और मुख्तलिफ सवाल भी आते हैं साइंस वालों के, कभी कंडीशनल सेंटेंस दे रहते हैं, कभी फ्रेजल वर्ब दे रहते हैं। इस बार एडीए के पेपर में WH क्वेश्चन की जगह दे दिया था वो डायलॉग, ठीक है। तो इस तरह से मुख्तलिफ सवाल दे दिए जाते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सीवी का, सीवी फॉर जॉब एप्लीकेशन। सीवी रेज्यूमे के बोलते हैं, इसके साथ ये आपको एक एड दिया जाता है जॉब का एड, इसको देखते हुए आपको एक सीवी बनानी है और साथ में एक जॉब एप्लीकेशन भी लिखनी है जिसको कवरिंग लेटर कहते हैं, ठीक है। ये एक सवाल होता है, या फिर आपको एक अदद लेटर टू न्यूज़पेपर एडिटर करना है, जो सिचुएशन दी जाए वो करना है, या लेटर टू किसी का भी लिखा जाता है। ज़रूरी नहीं कि न्यूज़पेपर एडिटर का ही दिया जाए, लेटर टू योर ब्रदर, लेटर टू योर फादर, लेटर टू योर फ्रेंड, इस तरह का कोई ना कोई लेटर दिया जाता है। लेकिन ये लेटर वाला सवाल 15 नंबर का होता है, सीवी वाला भी 15 नंबर का होता है। अब इन दोनों में चॉइस होती है अक्सर, पास्ट पेपर्स में, पीए ओल्ड पेपर्स में, इन दोनों में चॉइस होती थी। लेकिन अब जब एडीए का पेपर आ रहा है तो अब ये एसे, लेटर और सीवी तीनों में चॉइस दी जा रही है, और तीनों जो मतलब तीनों के जो नंबर हैं वो 25 नंबर का एक सवाल है। चाहे आप सीवी कवरिंग लेटर करें, चाहे आप ये वाला लेटर नॉर्मल वाला करें, चाहे आप ऐसे करें, 25 नंबर आपके इसमें दे दिए हैं आपको। अब इट मीन्स के 25 नंबर के हिसाब से आपको कोई भी एक चीज जो भी करेंगे आप, वो कम से कम भी 5 पेजेस की होनी चाहिए, ठीक है ना। चाहे ऐसे करें, चाहे लेटर करें, चाहे सीवी रेज्यूमे करें, तो इतना लिखें कि 25 नंबर के हिसाब से पूरा हो जाए, ठीक है। तो ये है आपका पेपर पैटर्न, एक मैंने सरसरी से आपको बता दिया है। ये बीए ओल्ड का है, ये एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स का अभी वाला पेपर देख लीजिए, इसमें ये अनसीन पैसेज था और इसमें सीन पैसेज नहीं दिया था, ठीक है। इसी अनसीन पैसेज की समरी थी, फिर क्वेश्चन आंसर दिए थे, 2 में से 1 करने थे। जो 10 नंबर का सवाल था जैसे मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स, इसमें आर्टिकल है। फिर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉलोइंग, और उसके बाद चेंज द वॉइस इनटू इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। और फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रपोजिशन, और लास्ट में इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट है ये मैंने आपको बताया, जैसे डायलॉग, शॉर्ट डायलॉग लिखने थे, वो उन्होंने एक सिचुएशन दी थी उस हिसाब से डायलॉग लिखना था। फिर ये ऐसे किसी एक टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना है, या फिर ये सीवी लिखनी थी, या फिर ये नीचे दिया हुआ है लेटर टू स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO ऑफ योर एरिया इनवाइटिंग हिज अटेंशन टू इंक्रीज रेट ऑफ क्राइम इन योर एरिया, इस तरह की सिचुएशन दी थी कि आपको SHO को लेटर लिखना था। ये इस तरह का पैटर्न भी आ सकता है और उस तरह से पैटर्न भी आ सकता है। इंग्लिश का पेपर हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होता है, यानी कुछ पता नहीं होता क्या आएगा क्या नहीं आएगा। सिर्फ ये पता होता है कि हाँ भाई, ये जो 2 सवाल आते हैं, 3 सवाल आते हैं क्वेश्चन आंसर एक्सटेंडेड रीडिंग में से, इसमें इसका पता होता है हाँ ये लाजमी आएगा। बाकी का 90% पेपर हमें नहीं पता होता कहाँ से आएगा, तो हमें हर तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो इसलिए आप लोगों को मैं हर तरह से तैयारी करवाऊंगी इंशाल्लाह इस 3 महीने में। बट अभी आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आप मुझे इंग्लिश में 1 पेज अबाउट योर सेल्फ आप लिख के देंगे, ठीक है। अपने बारे में 1 पेज में जो भी चाहें लिखें, कुछ भी लिखें, आप क्या करते हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं, क्या पढ़ा है आपने, क्या शौक है, क्या आपको पसंद है, क्या नापसंद है, वट एवर, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, किस लेवल की है, ताकि फिर मैं उस हिसाब से आपको पढ़ा सकूँ, ठीक है। तो मुझे पता होना चाहिए कि आप लोग किस लेवल के हैं।
सो ये आपका पेपर था, और ये आपकी डेमो क्लास की। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।